अज ना यार एक पंजाबी तुहाडे नाल बहुत जरूरी गल करनी सी। असी पंजाब दे विच वखरे वखरे खुश रहिंदे आ और सानू इस लई चाहिए पंजाब च कि पंचायतां बनाईए, गली महल्ले दे लैवल ते इकट्ठे होईए और अपने मसाइल असी खुद हल करिए। क्योंकि जे तुसी वेखदे रहोगे कि तुहाडे मसाइल कोई दूसरा आके हल करेगा तो इस तरह होना नहीं, क्योंकि 75 साल तुसी देख लिया कोई तुहाडी हैल्प नूं नहीं आया। तो खुदा दा वास्ता जे अपनी पंचायत सिस्टम दोबारा बहाल करो, गली महल्ले इकट्ठे होवो, अपने मसाइल डिस्कस करो, अपने मसले खुद हल करने की कोशिश करोगे तो होणगे, वरना नहीं होणगे। हुण पंजाबी जिहड़े असी हाँ, मेरा ख्याल है पंजाबी सिर्फ कहण दा जिहड़ा हक है तो सिखां नूं ही है। असी अपनी रवायात बिल्कुल छड्ड गए। हुण तुसीं पिंडां 'च वी चले जाओ तो तुहानूं नैसले दे डब्बे लभणगे, दुद्ध दे लस्सी किसी दे घरों लभेगी नहीं। मतलब असी हर चीज़ कैलकुलेशन दे विच पए होए हां कि इन्ना लावांगे तो इन्ना वापस लवेंगे। हालांकि गावां मझां जिहड़ियां ने ये असी रखदे सां दुद्ध पीण वास्ते, हुण पंजाब 'चों तुहानूं दुद्ध लभदा ही नहीं। तुसीं यकीन करो पिंडां दी परचून दी दुकानां ते चले जाओ, उत्थे वी नैसले दे डब्बे पए ने। ते अपने गुजर भाइयां दे घर घर जाओ तो वह भी तुहानूं पैप्सी की बोतल पियाएगा। यार कुछ खुदा दा खौफ करिए, वापस आइए, साड़ी कोई पहचान नहीं रह गई। पंजाबी जिहड़ा है दुनिया हुण उहनां कोलों नफरत करन लग पई है। तुसीं बाहर ते सूबे जाके वेखो एक गल समझी जाती है। तो खुदा दा वास्ता जी ठीक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, मिलजुल के एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे का दुख दर्द वंडो, फिर जाके कितने कोई गल बननी। इस तरह कल कल मर जावे सारे। अस्सलाम वालेकुम। यार बहुत गर्मी है मुल्तान में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ी थोड़ी हवा चल गई है और मौसम जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो गया है। मैंने कहा चलो कुछ थोड़ी सी आज रिकॉर्डिंग करते हैं। मुल्तान में गर्मी ही गर्मी, लेकिन आज काफ़ी फ़र्क पड़ा। मैं आपको बाहर लेके आ गया, ये देखें जी नींबू भी लग गए। और ये हमारे हैं जी ग्रेपफ्रूट। ये ग्रेपफ्रूट लग गए, ये हैं किन्नो, किन्नो लगने शुरू हो गए। ये डक्स वाला जो एरिया है ये यहाँ से बंद कर दिए क्योंकि डक्स काफ़ी कम कर दिए। ये हमारे पास जी लेमन, ग्रेपफ्रूट। आज मौसम काफ़ी फ़र्क हो गया हवा चलने से ना, अब बाहर फिरने के काबिल हो गया है थोड़ा सा। तो ये हैं जी डक, ये जो दो बच्चे थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, इनको बांध ही रखा हुआ है क्योंकि एक को तो बिजली लगी थी। माशाल्लाह ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और एक जोड़ा डक का रखा हुआ है। इधर रखे हुए जी तोते। और ये हैं जी हमारे अंगूर ने इस दफ़ा पहली दफ़ा फल दिया था, काफ़ी फल था इसका। आज मौसम काफ़ी बेहतर है, वरना बहुत गर्मी थी, शाम के टाइम बाहर निकला नहीं जाता था। अभी गाय वगैरह देखने के लिए जाना था लेकिन अभी टाइम नहीं। ये देखें जी ये अनार,
बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा, बहुत अनार लगा हुआ इसको, और माशाल्लाह इस दफ़ा हैं अभी बड़े बड़े, ये भी बड़े होंगे। दो दिन के बाद इंशाल्लाह तुहानू सैर करावांगे पहाड़ां दीआं। इसलिए अंब एडे एडे है ने मुल्तान के, जिहड़े बाजार च आए हुए ने ना वो सारे है ने उहदे सिंध दे अंब। इसलिए कोई भी मुल्तान का जिहड़ा अंब है ना वह नहीं हैगा। इंशाल्लाह अज हो गया जी जमेरात, जुम्मा तो हफ्ते में असं निकल जाना इतों, तो फिर तुहानू तफसील दे नाल पूरे का पूरा इलाका भी फिराने और दिखाने दुनिया। वेख लो जी अज थोड़े थोड़े बदल आए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इंशाल्लाह मैं लगता है कि बारिश होएगी। कोयल भी आ गई, लो जी तो जनाब दो इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलने हैं।